जय साईं राम। नमस्कार, मैं प्रिज्मोन सूर्य स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दाम्पत्य सुख का उपाय, यानी आप अपने परिवार को, अपने दाम्पत्य को अधिक सुखी करना चाहते हैं तो आप ये टोटका करेंगे, इससे पति पत्नी में बहुत प्रेम रहेगा। यदि आपको लगता है कि आप पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं, दूसरी स्त्रियों के पीछे भागते हैं, बात बात पर आपका अपमान करते हैं, तो ये टोटका आपके लिए है। यदि आप इसे बहुत प्रेम के साथ कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि पूर्णतया आपके पति आपके वश में हैं और वह पूरी तरह से आपके ऊपर नशावर हो जाएंगे। उनका प्रेम सिर्फ आपके लिए ही हो जाएगा। आपको क्या करना है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आप बेल के तीन पत्तों पर, बेल के तीन पत्तों पर अपने पति का नाम गोरोचन में काली हल्दी का घोल बनाकर, चांदी की कलम से लिखें, यानी गौमूत्र में काली हल्दी डालकर घोल बना लें और चांदी की कलम से उस पर अपने पति का नाम लिखें। फिर उन्हें चांदी की डिब्बी में भरकर, यानी चांदी की डिब्बी में उन्हें बंद कर लें, सिंदूर की छोटी सी डिब्बी मिल जाती है वैसी ले लें, फिर उसे उसमें भर लें, उसे अपने दाएं हाथ की हथेली में रखें, और फिर जो मैं वो मंत्र बताने वाला हूँ, उस मंत्र का मन ही मन 11 बार 11 दिन तक जाप करें, यानी प्रतिदिन 11 बार करना है, 11 बार यानी टोटल आप 108 बार एक दिन में करें और 11 दिन करें। ओम नमः शिव शंकराय ये मंत्र जाप आप करेंगे प्रतिदिन, 11 दिन करना है, 108 बार एक दिन में करना है। यदि आप लगातार नहीं कर सकते तो आप 2-3 बार कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक बार में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम नमः शिव शंकराय इस मंत्र का आप प्रोडक्शन में देख लीजिएगा, मैं नीचे दे दूंगा तो आप उसमें भी इस मंत्र का बारे में पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। तो जब 11 दिन पूरे हो जाएं तब क्या करना है, जब 11 दिन पूरे हो जाएं तब डिब्बी को उसी बेल वृक्ष को जाकर समर्पित कर दें, यानी जो आपने चांदी की डिब्बी में जो बेल के पत्ते रखे थे वो आप बेल के उसी वृक्ष के पास जाएं जहां से वो पत्ते लिए थे, उन्हें वहां पर जाकर आदर पूर्वक डिब्बी रख दें, वहीं पर पड़ी रहनी चाहिए और आप अपने घर वापस आ जाएं। जो कार्य आप कर सकते थे आपने कर लिया, अब बाकी का कार्य वह परमात्मा करेंगे और बहुत शक्ति से करेंगे, यानी आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है, ये बहुत प्रभावशाली उपाय है। तो अब देखेंगे कि इससे किस प्रकार जबरदस्त वाइब्रेशन आपके परिवार की तरफ अग्रसर होगी, आपके पति में बदलाव आने लगेगा। ऐसा आप 5-6 महीने में एक बार करते रहें तो आप देखेंगे कि बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो ये आप कीजिए, ये टोटके होते हैं, ये लाभ तभी देते हैं यदि श्रद्धा पूर्वक किए जाएं। जैसे जाप करना है तो बहुत ही श्रद्धा के साथ किया जाए, यदि श्रद्धा के साथ जाप नहीं किया जाता है और जाप करते वक्त या जाप के दौरान आप नॉनवेज खाते हैं या कुछ गलत करते हैं तो फिर ऐसे उपायों का लाभ नहीं मिलता। ये सारे उपाय प्रेम मांगते हैं, श्रद्धा मांगते हैं, पवित्रता मांगते हैं, तभी इनका लाभ होता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन से जुड़े हैं, ये कुछ नियमों से जुड़े हैं। लोग कहते हैं हमें लाभ नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ कि लाभ श्रद्धा पर निर्भर करता है। अब टोटका आप करते हो तो उसका जो लाभ होता है वो श्रद्धा पर है, तो इसलिए आप पूर्ण श्रद्धा रखने का प्रयत्न करें, पूर्ण स्वच्छता रखने का प्रयत्न करें, पूर्ण प्रेम रखने का
कोशिश करें, इसके बहुत सारे लाभ हैं और हजारों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। तो आप मुझे इजाज़त दें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका अर्थ है कि आपने मेरे साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ा है। मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए प्रतिदिन जाप किया करता हूँ, पाठ किया करता हूँ, और यदि आप कोई समस्या है आपकी, आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है मुझसे सवाल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए, कृपया फ़ोन मत कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 3 या 4 दिन में दिया जाता है, आप व्हाट्सएप करेंगे तो 3-4 दिन में आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप करें, कृपया फ़ोन मत करें। 9814450802